हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉकर्स चालके। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टूडेंट EMRS TGT साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं EMRS TGT साइंस का सिलेबस। ये बात तो सभी जानते होंगे कि किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले हमें उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत से स्टूडेंट ये भी देखते होंगे कि अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की। तो उसमें एक दो पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो सबसे पहला आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा सिलेबस और तीसरा कंसिस्टेंसी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम TGT साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं TGT साइंस में, वो तीन है। वो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें आपकी अलग अलग यूनिट्स हैं कि फिजिक्स की अलग यूनिट है, केमिस्ट्रीज की अलग यूनिट है और बायोलॉजी की अलग यूनिट है। तो बेसिकली सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स में जो आपकी सबसे पहली यूनिट है वो है आपकी अफेक्ट ऑफ करंट। इसमें भी अफेक्ट ऑफ करंट बेसिकली इसमें आपका जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट, इंटर रिलेशन बिटवीन PV, I and R, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बेसिकली थोड़ा 12th को टच करते हुए आपका फिजिक्स का पोर्शन इसमें पूछा जाएगा कि जो टॉपिक्स आपके 12th तक कवर करेंगे वो आपको 12th तक के लेवल के पढ़ने होंगे, और जो 10th तक कवर करेंगे वो आपको 10th तक के लेवल के पढ़ने होंगे, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये सब आपका 10th में भी है। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। नेक्स्ट यूनिट है आपकी, सेकंड है लाइट। बेसिकली जो फिजिक्स से टोटल यूनिट जो आएंगी वो आएंगी आपकी टोटल 7 यूनिट्स, जिसमें से जो फर्स्ट है आपकी वो है अफेक्ट ऑफ करंट और सेकेंड है आपकी लाइट। लाइट में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इमेज फॉर्म बाया कॉनकेव मिरर, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सेस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें आपका मेन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, उसके रिफ्रैक्शन के लॉज पूछे जाएंगे, कॉन्केव लेंस के थ्रू जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, वो पूछा जाएगा, और फंक्शन ऑफ विजन एंड रेमेडीज, और स्फेरिकल मिरर की एप्लीकेशन, appreciation of concept of refraction index, twinkling stars, dispersion of light and scattering of light। तो ये पूछा जाएगा आपका light unit से। Third आता है आपका sources of energy, कि different अलग अलग sources है energy के, कुछ renewable, कुछ non-renewable, तो उसका थोड़ा deep concept आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपकी अलग अलग जो energy की form है उससे related, leading to different source for human uses, fossil fuels, सोलर एनर्जी जिसमें अभी डिस्कस किया, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये जो पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा आपका थर्ड यूनिट से। तो नेक्स्ट जो यूनिट पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी आपकी फोर्स, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी। उसके बाद इसमें से टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, फोर्स एंड मोशन से आपके न्यूटन्स के लॉ पूछे जाएंगे, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स, ये सब आपका पूछा जाएगा मोशन एंड फोर्स एंड न्यूटन लॉ। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो आती है आपकी ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में आता है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसमें आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, फ्री फॉल, ये सब पूछे जाएंगे आपके इस यूनिट से। तो आपको उतना ही प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आता है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में बेसिकली आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर, बियोंसी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। आफ्टर दैट नेक्स्ट यूनिट है आपकी साउंड, जिसमें साउंड का नेचर कैसा है, क्या क्या मीडियम है प्रोपेगेशन के, एंड स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, की क्या किस हद तक वो सुन सकते हैं, क्या रेंज है अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसमें इको एंड सोनार,
एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर इम्पोर्टेंट है इसमें, ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं. सो नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है आपका केमिस्ट्री, जिसमें जो केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो है मैटर एंड नेचर एंड बिहेवियर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आपकी पूछी जाएगी मैटर की स्टेट्स, कि मैटर की कितनी स्टेट है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोज, आइंस्टाइन. नेक्स्ट आएगा उसमें टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, उसके टाइप्स पूछे जाएंगे. क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर इनटू मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, हेनरी लॉ, ये आपका आ जाता है 12th का टॉपिक, हेनरीज लॉस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपका कोलोइडल फेजेस ऑफ कोलोइड, जिसमें टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट एंड सस्पेंशन, मैटर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज, एसआई सिस्टम, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. बेसिकली इसमें आपका सारा उसका नेचर और बिहेवियर सारा कवर हो जाएगा, जिसमें आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें अलग अलग लॉ है, जैसे गे लुसेक लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस. एंड नेक्स्ट आता है एवरेज एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज, कॉम्पोजिशन. तो सेकेंड है आपका दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में बेसिकली आपके मॉडल्स पूछे जाएंगे, जैसे जेजे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल्स, जिसमें आपका बोहर मॉडल, तीनों मॉडल आ जाएंगे, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसके बाद जेजे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड, बोहर मॉडल्स ऑफ एटम्स. इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी पूछा जाएगा, जिसमें कैरेक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट एज मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स, उसके बाद आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या है. नेक्स्ट आता है आपका थर्ड दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें आपकी मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप, क्या इंपॉर्टेंस है पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजिशन क्या होती है, तो इसमें आपकी सब यूनिट्स पूछी जाएंगी. उसके बाद नेक्स्ट आता है केमिकल सब्सटेंसेस. केमिकल सब्सटेंसेस में बेसिकली स्टडीज करनी है आपको, जिसमें आपको नेचर पढ़ना है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि एसिड्स क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, जिसमें अलग अलग कुछ कॉन्सेप्ट थे एसिड बेस से रिलेटेड, जैसे ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, वो सारे आपको यहाँ पर स्टडी करने हैं. ये गिवन भी है ब्रॉन्स्टेड लॉवरी, लेविस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस, जिसमें पीएच स्केल, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सब भी आपको क्या करना है, स्टडी करना है. इंडिकेटर पढ़ने हैं, सोर्सेस क्या है उनकी एसिड्स और बेसिस की, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन और उसकी पीएच, तो ये सब आपको स्टडी करना है केमिकल सब्सटेंसेस में. आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन में जो पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है कि फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि हम उसे कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद हम कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस विद एग्जांपल, कि क्या क्या टाइप्स हैं उनके और उनके एग्जांपल्स भी आपको स्टडी करने हैं, क्योंकि जो एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो किससे आते हैं, वो आपके एग्जाम्पल से ही आते हैं. तो इसमें जो जनरली उन्होंने मेंशन भी किया है कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस विद एग्जाम्पल. नेक्स्ट आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है और एप्लीकेशन. अक्रेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, ओर्स एंड मिनरल्स, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, मेटलर्जिकल ऑपरेशन, कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो ये आपको किसमें पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. उसके बाद आता है कार्बन कंपाउंड, तो सबसे पहले जो उसमें स्टडी करना है वो करना है कि क्या कार्बन की क्या पोजिशन होती है पीरियोडिक टेबल में, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अंडरगो बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आपको होमोलोगस सीरीज स्टडी करनी है, बेसिकली क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आपको हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, फिनॉल, थोड़ा बहुत कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करना है. तो एक बार फिर से नजर मार लेते हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है, आयुपेक नोमेनक्लेचर भी, आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आपको हाइड्रोकार्बन, उसका क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल सोर्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, के एल्केन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. उसके बाद सेम नेक्स्ट है एल्कोहल, एल्कोहल की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की, कैसे हम उसे प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उसकी भी, और उसके बाद उसकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज,
फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एल्कोहल, उसमें कुछ टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट, अफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन लिविंग बींग्स, ये पढ़ना है आपको कार्बन कंपाउंड्स में. नेक्स्ट कार्बोक्सिक एसिड की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस ऑफ कार्बोक्सिक एसिड. नेक्स्ट सोप डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट एंड कार्बन फाइबर. तो बेसिकली कुछ छोटा सा पोर्शन इन्होंने किससे लिया है, क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. उसके बाद नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, गंगा एक्शन प्लान फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर, नीड फर्स्ट टेस्ट में नीड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट, किससे बचने के लिए, पॉल्यूशन से बचने के लिए, और एडमिट एटमोस्फेरिक कंजर्वेशन. तो ये सब आपको पूछा जाएगा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो आती है आपकी मैन मेड मटेरियल. तो जो मैन मेड मटेरियल्स में पूछा जाता है कौन कौन से, दैट इज सिरेमिक्स, सीमेंट, पोर्कलेन, ग्लास, कार्बन फाइबर, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पॉलीमर्स, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. तो ये पूछा जाएगा आपका मैन मेड मटेरियल से. तो ये सारा सिलेबस किसका था, केमिस्ट्री का था. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका वो आती है बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी में जो फर्स्ट यूनिट आती है वो आती है आपकी लाइफ प्रोसेस. तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले तो जानना होगा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, क्यों जरूरी है. उसके बाद नीड फॉर न्यूट्रिशन, की हमें न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है, वो हम पढ़ते आ रहे हैं काफी टाइम से. अलग अलग न्यूट्रिशन के बोर्ड पढ़ने हैं लेकिन एनिमल्स के अंदर. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन के कौन कौन से अलग अलग स्टेप्स है वो स्टडी करने हैं. एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट. बेसिकली जो 10th का फर्स्ट चैप्टर है आपका, सॉरी जो 10th का बायोलॉजी का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, वो आपको इन डिटेल कंप्लीट स्टडी करना है, उसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है. नेक्स्ट आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपको एनिमल्स का नर्वस सिस्टम, बेसिक यूनिट नर्वस सिस्टम इन एनिमल, जिसमें आपको रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जियोट्रोपिस, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स एंड एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो ये टॉपिक स्टडी करने हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. ये भी क्लास 10th का ही चैप्टर है, ये भी आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में ही स्टडी करना है. नेक्स्ट आते हैं आपकी रिप्रोडक्शन, जिसमें पढ़ना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन की, वेरिएशन की क्या इम्पोर्टेंस है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट जो आता है वो है आपका व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, कि क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा, मोड्स ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, दैट इज फैमिली प्लानिंग. आफ्टर दैट नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें आपका पूछा है कि हेरिडिटी क्या होती है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हम सेक्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल्स, फॉसिल्स क्या है और ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है. बेसिकली ये कुछ 12th का पार्ट इसमें इंक्लूड किया गया. नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ना है और डिफेक्ट्स ऑफ आई और उनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें पढ़ना है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिकली किसके बारे में स्टडी करेंगे, इसमें हम स्टडी करेंगे सेल के बारे में, कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं और सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल क्या है. नेक्स्ट आता है जिसमें टिश्यू पढ़ना है और सिर्फ इसमें प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के टाइप्स पढ़ने हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि जिसमें हम क्लासिफाइड किसमें करते हैं, बेसिकली किंगडम, मोनरा, प्रोटिस्टा, ये सारा क्लासिफिकेशन स्टडी करना है. क्लासिफिकेशन एंड उनका इवोल्यूशन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांटे, एनिमेलिया एंड नोमेनक्लेचर, ये स्टडी करना है हमें डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में. उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी वो है व्हाई डू वी फॉल इल, जिसमें हम पढ़ेंगे हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, उनका कोज क्या है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, टाइप्स ऑफ डिसीजेस क्या है, जिसमें हम इन्फेक्टियस डिसीजेस, नॉन इन्फेक्टियस डिसीजेस या कम्युनिकेबल या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी है, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस की हम डिसीज से कैसे बच सकते हैं, और नेक्स्ट आता है इम्यूनाइजेशन की हमें कौन कौन से टीके किस डिसीज के लिए लगवाने चाहिए. आता है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज में बेसिकली आर एनवायरमेंट इकोलॉजी करके 12th में एक यूनिट है, वो कंप्लीट यूनिट इसमें हमें स्टडी करनी है, जिसमें
एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर का रोल क्या है, विंड क्या है, रेन क्या है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, पर्टिकुलेट पॉल्यूशन, स्मॉग फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ फोटोकेमिकल स्मॉग, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड इट्स ब्रेकडाउन ओजोन होल, कॉजेज ऑफ ओजोन होल्स फॉर्मेशन, क्या कॉजेज है, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल सॉरी बायोजियोकेमिकल साइकिल जिसमें आपकी आती है वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। बेसिकली जो इकोलॉजी यूनिट है वो कंप्लीट स्टडी करनी है, जिसमें ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर पॉल्यूशन, वाटर अ वंडर लिक्विड, वाटर पॉल्यूशन, बायोकेमिकल साइकिल एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, क्या क्या रीजन है डिप्लीशंस ऑफ, क्या क्या कॉजेज है डिप्लीशंस ऑफ ओजोन लेयर के, एंड हाउ कैन इट अफेक्ट डे टू डे लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कैसे वो अफेक्ट कर रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ। तो कह सकते हैं कि इन आर एनवायरमेंट में हमें अपनी इकोलॉजी यूनिट कंप्लीट स्टडी करनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप एंड एनिमल हस्बेंड्री, नीड फॉर इंटरक्रॉपिंग की, इंटरक्रॉपिंग की नीड क्यों है, और लास्ट वन इज क्रॉस ब्रीडिंग, जो एनिमल हस्बेंड्री करके क्लास 12th का चैप्टर है वो इसमें हमें स्टडी बेसिकली करना है। सो ये था आपका EMRS TGT साइंस का सिलेबस। तो जिस भी स्टूडेंट ने EMRS TGT साइंस के लिए फॉर्म फिल किया है, क्योंकि आपने देखा है कि सिलेबस उतना भी आसान नहीं है, तो डिटेल स्टडी करनी है, तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। हम भी आपके लिए रिलेटेड टू EMRS TGT साइंस डेली वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।